सतगुरु तेरा ही आश्रय। बहन संतोष सिंह चामुंडी आदमपुर से भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद प्रेमी योगेश जी इनसा भजन बोलने के लिए तैयार हैं जी। और साथ संगत में अगर कोई ऐसा परिवार आया है जिनके परिवार में किसी ने चोला छोड़ा है तो उस परिवार के भाइयों ने शेड के 37 नंबर पिलर के पास और उस परिवार की बहनों ने 97 नंबर पिलर के सामने बैठना है। लेकिन इससे पहले अपने 50 नंबर कमरे में अपना नाम पता इत्यादि लिखवा देना है। धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रय। धन धन सतगुरु तेरा। बंदे ना बन तू अनजान, सच्ची झूठी को ले पहचान। बंदे ना बन तू अनजान, सच्ची झूठी को ले पहचान। दिया बुद्धि का भंडार, कर ले कुछ तो सोच विचार। बंदे ना बन तू अनजान, बंदे ना बन तू अनजान। सच्ची झूठी को ले पहचान। दिया बुद्धि का भंडार, कर ले कुछ तो सोच विचार। बंदे ना बन तू अनजान।
दिया बुद्धि का भंडार, कर ले कुछ तो सोच विचार, बंदे ना बन तू अनजान। धनन सतगुरु तेरे ही आसरा प्रेमी योगेश जी इंसा भजन सुना रहे जी। इनके वाले प्रेमी करण इंसा दिल्ली से भजन बोलने के लिए तैयार हैं और सत्संग से प्रार्थना की पंडाल में बुजुर्गों के लिए अलग से कैबिन है, तो इन कैबिनों में केवल बुजुर्गों ने ही बैठना है। बुजुर्गों वाले कैबिन में बुजुर्गों के अलावा कोई और न बैठा करें जी, इस बात का पूरा ध्यान रखा करें। और जो भी सत्संग पंडाल से बाहर है आप कृपया जल्दी से मजलिस पंडाल में आकर सात संगत के साथ मिलकर बैठें। धनन सतगुरु तेरा ही आसरा। नाम के बगैर हीरा जन्म खो रहे, क्या थे बनाए और क्या हो रहे। नाम के बगैर हीरा जन्म खो रहे, क्या थे बनाए और क्या हो रहे, क्या हो रहे।
दुर्लभ जन्म है अनमोल हीरा, किसी भी मोल कहीं मिले न हीरा। ऐसे जन्म को क्यों ही खो रहे, क्या थे बनाए और क्या हो रहे। लाभ ने उठाए नींद माया सो रहे, क्या थे बनाए और क्या हो रहे, क्या हो रहे। सोना चांदी माया पीछे लगा है, आए नजर जहां उधर भगा है। माया के नशे में है पागल हो रहे, क्या थे बनाए और क्या हो रहे। सच्चा धन बाकी सब कूड़े, नाम के बगैर सब कठी करे धूड़े। बात है सच्ची, बात है सच्ची, शाश्वत नाम जी कह रहे, क्या थे बनाए और क्या हो रहे। नाम
नाम के बगैर हीरा जन्म खो रहे, क्या थे बनाए और क्या हो रहे, क्या हो रहे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी करण इंसा दिल्ली से भजन सुना रहे हैं जी, इनके वाले प्रेमी नरेश्वर राम मेहर जी इंसा भजन बोलने के लिए तैयार हैं जी। जो बहने कुत्तावड गांव से आई हैं वो सचखंड हाल में ट्रेलर मास्टर दिलीप सिंह जी को मिल लें जी। और सत्संग से प्रार्थना कि जब भी आप आश्रम में लंगर भोजन ग्रहण करते हैं तो लंगर जितनी जरूरत है उतना ही लिया करें। लंगर सतगुरु का बेशकीमती प्रसाद है, श्रद्धा के साथ लंगर ग्रहण किया करें जी और बेकार बिल्कुल भी न जाने दिया करें। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और रा सच्चा सौदा छाया, नया इतिहास रचाया, सच्चे सौदे की ना कोई मिसाल से। और रा सच्चा सौदा छाया, नया इतिहास रचाया, सच्चे सौदे की ना कोई मिसाल से। मस्ताना जी प्यारे ने यो पग लगाया जी, सोना चांदी बाटिया नाम खूब जपाया जी। मस्ताना जी प्यारे ने यो पग लगाया जी, सोना चांदी बाटिया नाम खूब जपाया जी। एक दूजे ते प्यार करना यो सिखलाया जी, सारे धर्म का सांझा दरबार बनाया जी। और रा सच्चा सौदा छाया, नया इतिहास रचाया, सौदे की ना कोई मिसाल से। यो पतन ने अपनाया से, दुलते वे बच्चा पे तन ने तरस कमाया से। दर दर के ठुकरायो को तन ने अपनाया से, दुलते वे बच्चा पे तन ने तरस कमाया से। नाम देखे अपना छाती पे लगाया से, नाम देखे अपना छाती पे लगाया से, दुनिया में सठा के तन ने जीना सिखाया से। अरे सच्चा सौदा छाया, नया इतिहास रचाया, सच्चे सौदे की ना कोई मिसाल से। नाम दी दवाई दे सब लोग काटे से, बुंडे बुंडे लोगों ने सतरस से घाले से, नाम दी दवाई दे सब लोग काटे से। सर डाल के चोरा ने तू मार डाले से, सर डाल के चोरा ने तू मार डाले से, मीठी मीठी बोले वाणी घिसा डाले से। अरे रे सच्चा सौदा छाया, नया इतिहास रचाया, सच्चे सौदे की ना कोई मिसाल से। We'll be right back.
साल से मेरा सोना बापू भाई बेमिसाल से शास्त्र नाम जी प्यारे की ना कोई मिसाल से मेरा सोना बापू भाई बेमिसाल से हरदम अपने बच्चे का तू रखे ख्याल से हरदम अपने बच्चे का तू रखे ख्याल से बसा के रे मत करे मालो मान से अरे रे सच्चा सौदा छाया नया इतिहास रचाया सच्चे सौदे की ना कोई मिसाल से मस्ताना जी प्यारे ने ओ भाग लगाया जी सोना चांदी बढ़िया नाम खूब जपाया जी मस्ताना जी प्यारे ने ओ भाग लगाया जी सोना चांदी बढ़िया नाम खूब जपाया जी एक दूजे ते प्यार करना यो सिखलाया जी एक दूजे ते प्यार करना यो सिखलाया जी सारे धर्म का सांझा दरबार बनाया जी अरे रे सच्चा सौदा छाया नया इतिहास रचाया सच्चे सौदे की ना कोई मिसाल से सच्चे सौदे की ना कोई मिसाल से ना कोई मिसाल से ना कोई मिसाल धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा प्रेमी नरेश और रामहर जी इंसान भजन सुना रहे हैं जी इनके बाद प्रेमी रमेश जी इंसान शास्त्र जी मार्ग से भजन बोलने के लिए तैयार हैं एक ये टोकन मोबाइल जमा करवाने वाला ये जो टोकन है यहाँ पर गुम हुआ किसी का आया है जिस किसी का भी है तो यहाँ से नंबर बताकर ले जा सकते हैं जी और साथ से प्रार्थना कि आप आश्रम में सफाई का पूरा ध्यान रखा करें जी कहीं पर भी कोई कागज या छिलके इत्यादि पंडाल में आश्रम में इधर उधर न फेंका करें बल्कि जहां पर कूड़ादान रखे हुए हैं केवल वहीं पर ही डाला करें जी और आश्रम में कहीं पर भी थूकना नहीं है क्योंकि पूजनीय गुरु जी के वचन है आप आश्रम में कहीं पर भी थूकते हैं तो इससे आप अपनी भक्ति में से सेवा के फल में से फल कटवा लेते हैं इसलिए इस बात का भी पूरा ध्यान रखना है और आश्रम में सफाई व्यवस्था बनाकर रखनी है जी धनन सतगुरु तेरा ही आश्रम धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा गुजारता है जो दिन रात हंसी खेलों में बीत जाएगी जिंदगी इन्हीं झमेलों में तू तो गफलत में है तुझको पता न चलता है हर एक सांस तेरा कीमती निकलता है सत्संग ना ज्ञाने से जी तक दीर बदलती है सत्संग ना जाने से जी तक दीर बदलती है हृदय साफ हो जाए बुराइयां मन से निकलती है सत्संग ना जाने से तकदीर बदलती है
जन्म पाया ये दुर्लभ है प्रभु का नाम ध्याने को चौरासी जीन मुकाने को ये रूह आजाद कराने को युक्ति छूटने को नाम की सत्संग में मिलती है सत्संग ना ध्याने से जी तक दी बदलती है में आने से आप जन्म जन्म के कट जाते बुरे भले हैं बन जाते दवाई नाम की खाते संगत का रंग चढ़ जाए बुरी आदत बदलती है सत्संग ना ध्याने से जी तक दी बदलती है को पाने के लिए संग
जगत ही एक रस्ता है। राम कोई न लगता है, ये सौदा सबसे सस्ता है। पर भागो वाले जीवों को इनाम की दात मिलती है। सत्संग ना याने से जीत दी बदलती है। इसी जन्म में जी नाम जप मुक्ति को पाए जी। गमरे सरन गम गम बल गम बल गम बल परन करे सरन सदम परम गम गम बल। इसी जन्म जीव नाम जप मुक्ति को पाए जी, जीव मुक्ति को पाए जी। खर्च अगला बनाए जी, सीधा सतलोक जाए जी, सीधा सतलोक जाए जी। कहे शासत नाम जी उसकी चौरासी खत्म हो जाती है। सत्संग ना जाने से जीत तकदीर बदलती है। सत्संग ना जाने से जीत तकदीर बदलती है। हृदय काम हो जाए बुराइयां मन से निकलती है। सत्संग ना जाने से जीत तकदीर बदलती है, जीत तकदीर बदलती है, जीत तकदीर बदलती है। धन धन सदगुरु तेरे, धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी रमेश जी इंसा भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद प्रेमी राजेंद्र जी इंसा गुंदना मंडी से भजन बोलने के लिए तैयार हैं जी। और जिन सेवादारों ने आज शास्त्र नाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग में सेवा का नया प्रसाद लेना है, तो उन भाइयों ने शेड के 38 नंबर पिलर के पास और बहनों ने 98 नंबर पिलर के पास बैठना है और ग्रीनेस के जिम्मेवारों को अपना नाम लिखवा देना है। और पूजनीय गुरु जी जब आपको नारा बोलने के लिए वचन फरमाते हैं तो आप जोर से ऊंची आवाज में नारा बोला करें जी। जिन्होंने तीन वचनों में कोई गलती की है माफी लेने के लिए आए हैं, तो आपसे भी निवेदन है कि जब पूजनीय गुरु जी आपको खड़े होने के लिए वचन फरमाते हैं तो आप झट से खड़े हो जाया करें और जोर से ऊंची आवाज में नारा बोला करें जी। धनन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। उसनु मिल गया सहारा तेरी मेर दा, डर मुक गया चू रसी वाले फेर दा। जेल ते मुकाईए शहनशाह दाते आ तू वो
वाली दो जहान दा पर कोई कोई जान दा ओ सोनू मिल गया सहारा तेरी मेर दा डर मुक गया चूरासी वाले फेर दा जेल ते मकाईए शैन शाह दया तू वाली दो जहान दा पर कोई कोई जान दा रूड़ी जांदी सी गोते बिच गुमन गेरियां देखांदी सी पार ते लंगाई ए शैन शाह तू वाली दो जहान दा पर कोई कोई जान दा बाहों फड़ फड़ तारे जी लखा पापी बाहों फड़ फड़ तारे जी जेड़े चोर ठग बड़े हथियारे जी ना देर ते लगाइए शैन शाह तू वाली दो जहान दा पर कोई कोई जान दा जेड़ा चल के दवारे तेरे आमदा मुंह मंगिया मुरादा है ओ पामदा ना के अखलिकाई शैन शाह तू वाली दो जहान दा पर कोई कोई जान दा
साधु इस दुनिया ते आया है, लखा साधु इस दुनिया ते आया है, तेरे वांग ना किसे ने समझाया है। चक्कर च पाई है शैन शाते आ, तू वाली दो जहान दा पर कोई कोई जान दा। सतनाम जी की गुण तेरे गा सका, ओ तेरी मेहर दा की बदला चुका सका। साथी ता दुहाई है शैन शाते आ, तू वाली दो जहान दा पर कोई कोई जान दा। सानू मिल गया सहारा तेरी मेहर दा, ओ डर मुक्त गया चूरासी वाले फेर दा। जेल से मुकाई है शैन शाते आ, तू वाली दो जहान दा पर कोई कोई जान दा। तू वाली दो जहान दा पर कोई कोई जान दा। धन धन सतगुरु तेरा ही आ, धनन सतगुरु तेरे ही आसरा। प्रेमी राजेंद्र इंसान को नैना मंडी से भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद प्रेमी सुमित जी इंसान शास्त्राम जी नगर से भजन बोलने के लिए तैयार रहे जी। और समाणा जाने वाली जो भी साथ संगत है, समाणा जाने वाली साथ संगत, उनकी गाड़ी सुबह 3 बजे मेन गेट से चलेगी जी। समाणा जाने वाली साथ संगत की गाड़ी 3 बजे सुबह मेन गेट से चलेगी जी। और जो भी साथ संगत पंडाल से बाहर है, आपसे फिर प्रार्थना है, कृपया जल्दी से आए और गनातों के अंदर आकर मजलिस पंडाल में साथ संगत के साथ मिलकर बैठे। धनन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। झूठा ये देश है तेरा नहीं बंदे प्यारे, ये संत कहते हैं। ओ झूठा ये देश है तेरा नहीं बंदे प्यारे, ये संत कहते हैं। ओ छोड़ के जाना एक दिन प्यारे, हमेशा ना कोई रहते हैं। बादल की है छाया जैसे कुछ पल ही ठहरे, ऐसे ही है जगत में रहना सुन भाई मेरे। छोड़ के एक दिन जाना है संसार को प्यारे, रहने
बसेरा चार दिनों का हर दम ना कोई रहते हैं। ओ झूठा ये देश है तेरा नहीं बंदे प्यारे संत कहते हैं। जादू कर मन हरदम साथ है रहता बुरे काम हर वक्त कराए नाम लेने ना देता पांच चोर बस इसके स्वास लूटते रहते मन के पीछे जो है चलते दुखड़े बेअंत कहते हैं। ओ ये देश है तेरा नहीं बंदे प्यारे ये संत कहते हैं। सत नाम जी कहते भाई सत्संग में आओ मन माया और पांच चोरों से छुटकारा पाओ।
शास्त्र नाम जी कहते भाई सत्संग में आओ। ओ मन माया और पांच चोरों से छुटकारा पाओ। दास कहे बच सकते हो घर अमल कमाओ। नाम की धुन है सभी रोग का तेरा सार जिसे लोग कहते ओ। झूठा ये देश है तेरा नहीं बंदे प्यारे संत कहते हैं ओ। छोड़ के जाना एक दिन प्यारे हमेशा सोई रहते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी सुमित जी इन संबोधन सुना रहे थे। इनके बाद मास्टर विक्रम जी इंसान भजन बोलने के लिए तैयार हैं। और साथ ही इनसे प्रार्थना कि आप कंटेनर पर सामान लेने के लिए जो टोकन इत्यादि लेते हैं तो आप इन टोकनों का इस्तेमाल केवल कंटेनर पर ही किया करें जी। कंटेनर के अलावा बाहर कहीं दुकानों पर या किराए भाड़े के तौर पर आपने टोकन नहीं देने। टोकन आपके पास बच भी जाते हैं तो आप वापस कंटेनर पर ही कर दिया करें। टोकनों को घर पर भी साथ लेकर नहीं जाना जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। क्यों जपदानी बंदे आना क्यों जपदानी बंदे आना के जिसने छुड़ाना है
ਲੱਗਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਛੁਡਾਉਣਾ
डुबाती है दवाई एक नाम जी, दवाई एक नाम जी, नाम बिना खाना पीना सब है हराम जी, जो भी कर काम समझा रहे शासक ना, समझा रहे शासक ना, के जिसने छुड़ाना है तेरे कम होना है, क्यों जपदा नहीं बंदे आना, क्यों जपदा नहीं बंदे आना, के जिसने छुड़ाना है तेरे कम होना है, क्यों जपदा नहीं बंदे आना, क्यों जपदा नहीं बंदे आना, क्यों जपदा नहीं बंदे आना। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, मास्टर विक्रम जी इंसान भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद सतवरमचारी सेवादार जाफर अली इंसान जी भजन बोलने के लिए तैयार हैं जी। और साथ संगत में कोई भी टेलर मास्टर भाई यहाँ बैठे हैं सेवा करना चाहते हैं तो आप टेलर समिति में जाकर अभी मिल लें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु प्यारे प्यार से तेरे जीना गया, सतगुरु प्यारे प्यार से तेरे जीना आ गया, प्रेम का प्याला गुनागारों को भी पीना गया, सतगुरु प्यारे, सतगुरु प्यारे प्यार से तेरे जीना
काबिल थे कहां जो तूने बना दिए, आपने बना दिए। विषय विकारों में सो रहे थे तूने जगा दिए, आपने जगा दिए। लेकर गम लेकर गम तू दाता खुशियां लुटा रहा, सतगुरु प्यारे सतगुरु प्यारे प्यार से तेरे जीना आ गया।
शाश्वत नाम जी गुरु प्यारे, ओ शाश्वत नाम जी गुरु प्यारे। विनती करो कबूल, विनती करो कबूल, दास को मीत बनाया दाता, तिरुलती हुई धूल, तिरुलती हुई धूल, एक जर्रा एक जर्रा मेहर से तेरी तुझ में समा गया। सतगुरु प्यारे, सतगुरु प्यारे, प्यार से तेरे जीना गुरु प्यारे, प्यार से तेरे जीना आ गया। प्रेम का प्याला गुनाहगारों को भी पीना गया। गुरु प्यारे, प्यार से तेरे जीना आ गया, जीना धनन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतपुरम का चौधर जाफर अली इंसान भजन सुना रहे हैं जी। इनके वार प्रेमी लालचंद जी इंसान सरसा भजन बोलने के लिए तैयार हैं जी। गोरखपुर उत्तर प्रदेश से जो भाई आया है वो यहाँ आगे आकर मिल लें जी। गोरखपुर यूपी से जो भी भाई आया है आगे आकर अभी मिल लें जी। और साथ संग से निवेदन है कि रेलवे टिकट खिड़की यहीं पर खुली हुई है, सामान समिति में जहां पर सामान जमा होता है वहां पर ये रेलवे टिकट काउंटर है। तो रेलगाड़ी द्वारा आपने कहीं पर भी सफर करना है तो आप टिकट यहीं से ही लेकर जा सकते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेम का मस्त प्याला पिए कोई भागो वाला, प्रेम का नशा है महान, तन मन धन कुर्बान। प्रेम का मस्त प्याला पिए कोई भागो वाला, प्रेम का नशा है महान, तन मन धन कुर्बान। सतगुरु तेरा ही आसरा। बहन सुनीता इंसान हांगकांग से भजन बोलने के लिए तैयार हैं जी। जो भी साथ संगत पंडाल से बाहर हैं आपसे प्रार्थना है कृपया जल्दी से मजलिस पंडाल में आकर बैठे, और जो बहन या भाई यहां खड़े हैं कृपया सभी अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बहन सुनीता इंसान हांगकांग से भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद प्रेमी विजय जी इंसान सरसा भजन बोलने के लिए तैयार हैं जी। धनन सतगुरु तेरा ही आसरा।
धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा प्रेमी विजय जी इंसान सरसा भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागु जी इंसान भजन सुनाएंगे जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सुन बंदे प्यारे, नहीं मालिक तुमसे दूर, नहीं है दूर, नहीं है दूर। बिन यत्न न मिलता, हर घट में है भरपूर, है भरपूर, है भरपूर। सुन बंदे प्यारे, में जैसे खुशबू लकड़ी में आग है, दूध में घी है लेकिन लाना पड़ता जाग है। बिन यत्न न निकले, है कुदरत का दस्तूर, है दस्तूर, है दस्तूर। सुन बंदे प्यारे, मालिक को तट तीर्थ जंगलों में ढूंढता, वो बोले बैठा अंदर पर इसको ना पता। जैसे हिरन की नाभि अंदर है कस्तूर, है कस्तूर, है कस्तूर। सुन बंदे प्यारे, मालिक ने खुद बनाया ये शरीर है मंदिर, मस्जिद मंदिर में ढूंढता वो बैठा है अंदर। हर खट खट अंदर वो बैठा हाजिर हजूर, हाजिर हजूर, हाजिर हजूर। सुन बंदे प्यारे, शब्द नाम जपाना चाहे अंदर छाती मार, श्वास श्वास में याद कर क्यों होता है गवार। ऐसा नशा नाम का चढ़ा रहे सरूर, है सरूर, है सरूर। सुन बंदे प्यारे, नहीं मालिक तुमसे दूर, नहीं है दूर, नहीं है दूर। बिन यत्न न मिलता, हर घट में है भरपूर, है भरपूर, है भरपूर। धन धन सतगुरु तेरा ही। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मैनू कमली नू मैनू कमली नू गाली नाली लाल मेरे सोने या सजना, मैनू कमली नू गाली नाली लाल मेरे सोने या सजना। सारे गुना छुपा ले मेरे सोने सजना, हाय मैनू कमली नू गाली नाली लाले मेरे सोने सजना, मैनू कमली नू गाली नाली लाले मेरे सोने सजना।
इश्क तेरे च दिन रात फिरा नचदी, तेरे प्यार बिना मेरी जिंद नहीं बचदी। बस तू मैनू अपना ले मेरे सोने सजना, हाय मैनू कमली नू गाली नाली ला ले मेरे सोने सजना। जग दिया नजरां तां आउंदियां ने खान नू, दारी उत्तों दिल करदा नहीं जान नू। मैनू इक वारी अपना ले मेरे सोने सजना, है मैनू कमली नू गाली नाली ला ले मेरे सोने सजना। ख्यालां विच लंघदा दिल मेरा हर वेले प्यार तेरा मंगदा, मैनू अपने कोल बुला ले मेरे सोने सजना, है मैनू कमली नू गले नाल ला ले मेरे सोने सजना। कबूल कर देना जवाब तू, हाथ जोड़ खड़ी मेरी लख लवी लाज तू, मेरे सारे दर्द बंडा ले मेरे सोने सजना, है मैनू कमली नू गाली नाली ला सत नाम जी दे चरनी, हर वेले मैं फरियाद एहो करनी। मैनू गिरी होई नू उठा ले मेरे सोने सजना, है मैनू कमली नू गाली नाली ला ले मेरे सोने सजना। मेरे सारे गुनाह छुपा ले मेरे सोने सजना, है मैनू कमली मालिक सजनवा जी। प्यारी सत्संग जी, सच्चे मुर्शिद कामिल के पवित्र वचन, रहमो करम की चर्चा, मालिक के प्यार मोहब्बत की बात आपकी सेवा में रखने जा रहे हैं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मेरे सतगुर जहां है निज धाम वहां, तेरे चरणन में मेरे दोनों जहां, दोनों जहां में तेरे प्यार की मिलती रहे ठंडी छा। मेरे सतगुरु जहां निज धाम वहां, तेरे चरणन में मेरे दोनों जहां में तेरे प्यार की मिलती रहे हम ठंडी छा। खुशियाँ वहाँ गुरु जी जहाँ, तेरे चरणन में मेरे दोनों जहाँ।
चरणन में मेरे तोरो जहा गुनगार दिया फिर भी प्यार कैसे बदला चुकाए हमरा जमीर है आपकी जागीर फिर से तुझे सौंप पाए शिद जहा चरणन में मेरे तोरो जहा तोरो जहा में तेरे प्यार की रहे
देखी जवानी वहाँ तेरी चुनन दी मेरे दोनों जहाँ में तेरे प्यार की मिलती रहे हमें नाम जी मालिक नाम दोनों जहां में गूंजे सदा तेरे दर्ज में सब हुए मस्त है जुद दोनों जो मानी अदा नजर इशारा जहां मस्त दोनों जहां चरणन में मेरे दो रोजा आपने भजन में सुना मेरे सतगुरु यहां निज धाम वहां तेरे चरणन में मेरे दोनों जहां। जो जीव अपने सतगुरु मौला से प्यार मोहब्बत करता है वाकई ही उसका सतगुरु मौला यहां है वहीं सारी खुशियां हैं और वो कहां नहीं है ये देखने वाली बात है। चूंकि इंसान की अपनी अपनी सोच है अपनी अपना ख्याल है वो सतगुरु मौला तो ऐसी कोई जगह ही नहीं है यहां ना हो वो तो दोनों जहां में है। किसी को अनुभव होता है किसी को नहीं होता लेकिन हकीकत ये है ओम हरि अल्लाह वाहे गुरु राम चाहे उसे सतगुरु कहिए वो तो हर जगह है कोई जगह उससे खाली नहीं कोई क्षण कोई पल ऐसा होता ही नहीं जिसमें वो मालिक नजर ना आते हों। हर जगह हर पल हर समय हर किसी के वो साथ होते हैं। इंसान इग्नोर करता रहता है
इंसान उसे अपने से दूर समझता है, ये बात दूसरी है। अहंकारी मन और अहंकारी मन के ऊपर सवार इंसान दोनों जहां से वंचित हो जाते हैं। दोनों जहां की खुशियां तो उन्हीं को मिलती हैं जो अपने सतगुरु मौला के राह में सब कुछ न्योछावर कर देते हैं। तन मन धन, कईयों की नजरिए में होता है कि तन कैसे, तन से बहुत सारे कार्य हम करते हैं, लेकिन ज्यादातर इंसान ऐसे कार्य करता है जिसमें खुदगर्जी होती है। पैसा कमाता है अपने लिए, बच्चों के लिए, औलाद के लिए, तो ये सारी खुदगर्जी हो गई। ठीक है, कर्तव्य भी है, लेकिन हद से ज्यादा पागल बने रहना, हद से ज्यादा मोह ममता में फंसे रहना, ये तो पागलपन है। इसमें कहां की खुशियां हैं, कहां की आनंद है, कहां की लज्जत है। इंसान अगर उस राम की खुशियां पाना चाहता है, अल्लाह वाहिगुरु मालिक की खुशियां पाना चाहता है, तो मोह ममता में पागल नहीं होना चाहिए। एक हद तक बच्चों का निर्वाह करो, एक हद तक सीमा होती है, आयु होती है जिसमें गवर्नमेंट भी रिटायर कर देती है, तो उसके बाद तो आप धक्के से टांग अड़ाते हैं, धक्के से सिर फंसाते हैं। आपका फर्ज है, आपने जो कमाया बच्चों को दे दिया, वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन ऐसा घोर कलयुग है, यहां लोग माया के लोभी लालची हैं, माया में पागल हुए पड़े हैं, मोह ममता में खो रहे हैं, काम वासना क्रोध मोह लोभ अहंकार मन माया में बुरी तरह से जकड़े हुए हैं। तो ऐसी जकड़न में मालिक पास होते हुए भी पास नजर नहीं आता। सारा दिन बुरी सोच, सारा दिन ईर्ष्या, सारा दिन नफरत, सारा दिन चुगली, सारा दिन निंदा। अरे कोई टाइम तो हो जब अपने मालिक मौला का शुक्राना कीजिए कि मालिक मैं तेरा शुक्राना करता हूं, क्या से क्या बना दिया। और ये हकीकत है, बहुत करोड़ों प्रेमी सत्संगी भाइयों को पता है, मालूम है, वो बताते हैं आके कि कैसे मालिक ने उन पर रहमो करम किया। पर जब मन शैतान हावी होता है ना, तो बस फिर बिगड़ जाता है। मन के मते चलो मत कोई, बड़े स्टीक बड़े जबरदस्त शब्द हैं ये, अगर आपके भेजे में घुस जाएं, अगर दिमाग में घुस जाएं। मन के मते चलो मत कोई, गुरु कहे करो तुम सोई। मन और गुरु दो ताकतें हैं इस संसार में। मन काल की ताकत है और गुरु दयाल की ताकत है। तो गुरु की बात सुन के अमल कर लो तो दयाल की तरफ जाओगे, मन की बात सुन के या मनमते आदमी की बात सुन के सुनोगे अमल करोगे तो मन काल की तरफ जाओगे। दयाल की तरफ जाने से यहां भी परमानंद है, गम चिंता टेंशन परेशानियों से मुक्ति है, आवागमन से मुक्ति है, और मन काल की तरफ जाने से यहां हो सकता कुछ ना कुछ देर की खुशी क्षणिक आ जाए, लेकिन कर्मों का लेखा जोखा उठाना है और मरने के बाद आवागमन में चले जाना है। अब आप देखिए आप किसकी बात मानने जा रहे हैं, चाहे आपका मां है, बाप है, बहन है, भाई है, बेटा है, बेटी है, पोता है, नाती है, कोई भी है, जो मनमते बात करता है आप कैसे समझ लेते हैं कि वो सही है। हमने बड़े बड़ों को मान करते देखा है, मुझे मान है मेरा बेटा, मेरे मान है मेरा ये मेरा वो, और वो दंग रह जाते हैं जब उनका बेटा मन के हाथों मजबूर होके तरह तरह के गुल खिलाता रहता है। आंखें मूंड के उसी पे विश्वास करते रहना, आंखें मूंड के माँ बाप पे या मन मते इंसान पे विश्वास करते रहना, ये 100% गलत है। रूहानियत में ऐसे इंसानों के लिए आगे रास्ता नहीं मिलता। अगर आप रूहानियत में तरक्की करना चाहते हैं, ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है, बस मन के मते चलो मत कोई, गुरु कहे करो तुम सोई, इतनी बात ही मान लो बेड़ा पार है। ना यहां कमी है और ना अगले जहान में कमी है, बस इतनी सी बात माननी है, लंबी चौड़ी तो बात ही नहीं। ना मन की सुनो, ना मनमते लोगों की सुनो, दैट्स ऑल, फिर देखो नजारे। पर आप कहते हैं ना, मैं गुरु को मानता हूं पर गुरु के वचनों को नहीं मानता। पता नहीं ये मानना कैसा है, समझ नहीं आती, क्योंकि गुरु के वचन ही गुरु हैं
और गुरु ही वचन है, क्योंकि वो भगवान की रजा में है। जैसा भगवान वचन करेगा वो गुरु बोलेगा, और भगवान का वचन ही गुरु हो गया और गुरु ही वचन हो गया। फिर आप ये कैसे कहते गुरु को मानता हूं? अगर वचन को मानते हो तो गुरु को मानते हो, वरना आप मानते नहीं, ऊपर ऊपर से कहते रहते हो। हकीकत तो ये है, आपको कड़वी लगेगी बात, बुरी लगेगी। फिर आगे लिखा स्वामी जी ने, मन के मते चलो मत कोई, गुरु कहे करो तुम सोई, ये भव में गोते खिलवावे, ये गुरु से बेमुख करवावे। भवसागर में गोते खिलवाता है, भवसागर में, इस संसार सागर में निंदक आए, बुरी बात करने वाले आए, उन्होंने उकसा दिया, उन्होंने वाहवा, क्योंकि लोग तो ढूंढते फिरते हैं कि कोई ढाल सामने आए, थोड़ी सी उंगली लगा के मालिक से दूर करवा दें और उनको फिर जिंदगी को नरक बना दें, लगे पड़े हैं, ढूंढ रहे हैं। जैसे कहते हैं ना, शिकारी कुत्ते होते हैं, वो सूंघते हैं शिकार किधर है, काफी सूंघने की शक्ति होती है उनकी, और जैसे चींटियां सूंघती हैं उनकी शक्ति और भी ज्यादा होती है, कहां क्या तेल वाला है, घी वाला है, या कोई ऐसा सामान पड़ा है। उसी तरह निंदक इस कलयुग में सूंघते रहते, कौन थोड़ा सा बिगड़ा, कौन थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, किसका मन बिगड़ा हुआ है, क्योंकि सदगुरु पीर फकीर तो किसी को कुछ नहीं कहते। अब ये थोड़े ना हो सकता है संत कभी किसी को बुरा कहे। परम पिताजी के सामने हमने बहुत बार देखा, कई लोग कहते गुरु जी मैं भक्ति करूं, सतब्रह्मचारी बनूं, या फिर मैं शादी करवाऊं, आप बताओ। कहते भाई तू अपने परिवार से सलाह कर ले, मर्जी तेरी। वो फिर कहता जिद करता कि सच सच बताओ पिताजी, मैं नहीं, मुझे आप बताओ, कि क्योंकि हमने अपने सामने ये वचन होते देखे हैं गुफा के अंदर, तो आप सच बताओ कि विवाह शादी करूं या फिर मैं सेवा करूं, परमार्थ करूं। तो बेपरवाह जी कहते भाई फिर अगर सतब्रह्मचारी बनना है, ऐसी तो जिंदगी दोनों जहान में नहीं है, हम क्यों कहे कि कांटे वाली झाड़ी में जाके फंस। 101% ये वचन आज भी है और आगे भी है, हम किसी को नहीं कहते। कोई खुशी खुशी दिल में रखे बैठा हो, सवाल पैदा नहीं होता। हाँ, कोई राम नाम जपता है, जी सदके जपो भाई, सेवा करता है, जी सदके जपो, हम नहीं रोकेंगे, सवाल पैदा नहीं होता। हाँ, कोई सेवा नहीं करना चाहता, ऐसा नहीं करना चाहता, राम नाम जपता रहे और उसके माँ बाप जाने, वो जाने, परिवार जाने, ऐसा तो नहीं है हमारी तरफ से, ऐसा नहीं। लेकिन हमसे अगर कोई राय लेगा, हम कभी नहीं कहते कि कांटों वाली झाड़ी में जाके फंस जाए, क्योंकि हमारे गुरु मुर्शिदे कामिल ने वचन किए हैं, सदगुरु ने वचन किए, हम तो वो वचन मुख्य रखते हैं। तो माँ बाप परिवारजन वही अच्छा होता है जो अपनी औलाद को कहता है कि कर सेवा, क्योंकि उससे सिर्फ औलाद ही नहीं, पूरी सृष्टि का भला है, और सृष्टि का भला है तो कुलों का उद्धार कितना होगा, ये तो राम जाने, गिनती से परे की बातें हैं, क्योंकि सृष्टि उस राम की है, और जो राम की सेवा में लग जाता है, अरे एक आदमी की छत्र छाया में कोई रहे ना तो उसको मान हो जाता है, मान। एक बार आपको एक मान की बात सुनाते हैं, हम जिंदगी में कभी किसी से लड़े नहीं, थोड़ा बहुत जैसे बात हो जाती तो टल जाते थे कि रहने दो भाई, क्या लेना है, सब जानते, जाके गांव में पूछ सकते हैं, इलाके में पूछ सकते हैं आप। पर आपको मान की बात कहते हैं कि एक छोटी सी बात सुनाते हैं, जैसे सेवादार हैं इधर, तो ऐसे ही वहां सेवादार जिनको लोग नौकर कहते हैं, सीरी कहते हैं, ठेकेदार, वो जो खेतों में काम करते हैं सज्जन, ऐसे हमारे साथ सज्जन थे, उनको कई साल हो गए, 10-12 साल हो गए। वो एक शराबी कबाबी था, अब इनका तो काम ही होता है बकना, हालांकि हम तो कभी किसी से कोई चर्चा ही नहीं होती थी, खेत का पड़ोसी तक। अब उसने कुछ हमारे बारे में या ख्याल में नहीं है, हमें काफी देर की बात है, बापूजी के बारे में थोड़ा कुछ गलत बोल दिया, और वो नौकर सज्जन, वो जो सेवादार था, वो वहां सेवा कर रहा था, काम कर रहा था, वो कहने लगा भाई तू चुप हो जा, मैं खाना खाता हूं इनका, और मुझे इतना प्यार करते हैं अपने बेटे की तरह, मैं भी उनका बेटा हूं। वो दूसरी बार फिर बोला, उसके पास फावड़ा था, फावड़ा उठा लिया, आगे वो और पीछे वो, सारी शराब निकलती चली जाए, धोती खराब हो गई, घर तक छोड़ के आया, हमें पता चला, हम उसको बहुत लड़े, भाई ये तूने क्या किया, तू उसके मार देता, जेल में बैठ जाता भाई, और महापाप है ये किसी को मारना तड़फाना। कहता जी महापाप हो या वहां पाप हो, आप जैसे नेक लोगों के साथ रह के आपकी निंदा मैं नहीं सुन सकता,
यानी मुझे मान है कि अगर मैं वहां बैठ जाता आप निकाल लाते। हमने कहा ना भाई, हम तो बुराई का साथ ना देते। तू फिर क्या हो गया, उसका मुंह खराब हुआ, ऐसा करता है तो वो भरता है। सो कहने का मतलब हमारा यहां थोड़ा सा बताना कि अगर एक अच्छे नेक इंसान के यहां कोई सेवादार या नौकर कोई काम करता है उसको ही मान हो जाता है, तो जो उस राम अल्लाह वाहिगुरु की औलाद का काम करेगा क्या उसे मान नहीं करना चाहिए? मैं यार उसकी सेवा करता हूं जो दोनों जहां का दाता है। तो अगर सच्चे दिल से सेवा करे, दीनता नम्रता से करे, अहंकार को त्याग दे, वचनों पे पक्का रहे, अजी यकीन मानो उसके दोनों जहान क्या कुलों के दोनों जहान मालिक सुधार देता है। लेकिन वचन माने तो ना, सेवा को सेवा रूप में माने तो ना, दिमाग में तो कचरा भरा होता है, खुद गंदगी का कीड़ा, दूसरों को गंदगी का कीड़ा, सारा दिन गंदगी जगह पे हाथ मारता रहता है, सारा दिन बुराई की बात करता रहता है, दूसरों को वो कैसे अच्छे तराजू में तोलेगा, कैसे कहेगा कि ये भगत है, कैसे कहेगा कि ये मालिक का प्यारा है? उसकी तो गंदी गिरी सोच होती है, जैसा वो खुद स्वामी होता है सामने उसके कोई भी उसको भी उसी तरह का बना डालता है। तो भाई हकीकत है, जिनको अपने मुर्शिद से प्यार हो जाता है, सतगुरु से प्यार हो जाता है, वो बेपरवाह और दुनियादारी की तरफ से लापरवाह हो जाते हैं, कोई परवाह नहीं रहती। कोई गाली दे तो हाथ जोड़ना, अच्छा बोले तो हाथ जोड़ना, कभी किसी को बुरा ना कहना, ना दुआ करना, सबके लिए अच्छे नेक भलाई के लिए दुआ करना, और मालिक से मालिक को मांगना, और सबको सिखाना कि मालिक से मालिक को मांगो, यही भक्तों का काम होता है। दीनता नम्रता के गहने पहनो तो भाई मालिक हर जगह बहार बना देंगे, दोनों जहान की खुशियां बख्श देंगे, अंदर बाहर कमी नहीं रहेगी, सारी कमियां निकाल डालेंगे। ब्रिजबेन ऑस्ट्रेलिया से बात करना चाहते हैं, बोलो भाई बात जल्दी से करो। तन सतगुरु तेरा ही आसरा, दिल कर दाए सतगुरु हर वेले, तेन कोल बहा के तकदार हां, सारा जिस्म मेरा आखिर हो जावे, मोहताज न मैं इस अखदार हां, दिल कर दाए सतगुरु हर वेले। ਤਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿ ਤੇਰੀ ਆਸਰਾ। ਸੋਹਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਪੁਰਵਿੰਦਰ ਇੰਸਾ ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇਣਾ ਜੀ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸੋਹਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖ ਬੋਲ ਕੇ ਤੇ ਗਾ ਕੇ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਜੋ ਹਰ ਪਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਤੇ ਜੋ ਪਿਆਰ ਦੁਲਾਰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਉਪਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲਿਖ ਬੋਲ ਕੇ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਜਨਮ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਉਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹੋ ਅਰਜ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਕਿ ਸਦਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਿਓ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਪਰਮਾਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜੀ, ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਇੱਕੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਨੂਰਾਨੀ ਦਰਸ਼ ਦੀਦਾਰ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਉਣਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੇ 47 ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ 101% ਖੜਾ ਉਤਰਾਂ ਜੀ। ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਜੋ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਸਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਕਦੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਜੀ ਦਾ ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਦਾ ਰੋਗ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰਫ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੇਰੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਇਲਾਜ ਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਉਸ ਰੋਗ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਟਿਆਲੇ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਜੀ ਬੇਟਾ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਾਲਿਕ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਬੇਟਾ ਮਾਲਕ ਪਹਾੜ ਜੈਸਾ ਕਰਮ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨੀ, ਸਾਨੂੰ ਅਕਲ ਸਦਬੁੱਧੀ ਦੇਣੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਸਕੀਏ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਅਗਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੀ। ਜੀ ਬੇਟਾ, ਮਾਲਕ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਬੇਟਾ, ਦੱਸੋ। ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ। ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ
हिमाचल दे एक रिमोट एरिया दे विच जॉब करदा सी शहनशाह जी, तां उत्थे लगभग 5-7 हज़ार दी आबादी दे लोकी रहिंदे सन जिहदे विच मैं कल्ला ही प्रेम जी जी। सारे ही उत्थे लोकां नूं मेरा पता सी कि मैं प्रेमी हाँ। ते पिता जी असीं सारे इकट्ठे बैठ के ही खाना खांदे हुंदे सी शाम नूं, जिन्ने भी सारे यार दोस्त सीगे, बाकी तां मनमुखी सीगे। चलो फिर भी पिता जी नाल जॉब करदे सीगे, तां पिता जी जदों भी उहनां ने मतलब शाम नूं रोटी वगैरा खानी इकट्ठे बैठना, तां पिता जी टीवी ते खबर आउणी डेरे दे बारे, तां पिता जी जो भी बुराई दे लोकी डेरे दे विरुद्ध साजिशां रचदे सी तां उहनां ने उस तरह की न्यूज़ देखणी, तां पिता जी उहनां ने आप जी दे विरुद्ध बोलना शुरू कर देना, तां पिता जी मैनूं बहुत ही ज्यादा गुस्सा आउणा, ते मैं उहनां नूं दसणा कि तुहानूं कुछ नहीं पता, इह जो दिखा रहे हन इह सच नहीं है, साडा सतगुरु 101% सही है और सानूं उस ते माण है। ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੋ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਜੋ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਨ ਉਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਹੰਕਾਰੀ ਟਾਈਪ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਪਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੈਠਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਸਨੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਸਦਾ ਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੋ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜੀ 2 ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਐਡਰੈਸ ਉਸਨੇ ਪਾ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਕਿ ਉਸਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸਨ। ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉੱਪੜ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਢਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਆ। ਪਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਥੋੜੇ ਕੁ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ 15-20 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ। ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਿਆ। ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਮਤਲਬ 4-5 ਦਿਨ ਤਾਂ ਘਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ ਆਪਣੇ, ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਉਸਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤਲਵਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਕੀ ਖਾਣੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4-5 ਵਜੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਸਦੀ ਮਤਲਬ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਸਭ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਪਲ ਪਲ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਬੇਟਾ ਇਨਸਾਨ ਜੈਸੇ ਕਰਮ ਕਰਤਾ ਹੈ ਵੈਸਾ ਭਰਤਾ ਹੈ, ਹਮ ਤੋ ਸਭ ਕੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਤੇ ਹੈ ਪਰ ਹਮਾਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਦਾਤਾ ਰਹਿਬਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਨਸਾਨ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜੈਸੀ ਕੋਈ ਕਰਮ ਹੈ, ਜੈਸੀ ਕਿ ਭਾਵਨਾ ਕਰਮ, ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਬੋਲਤਾ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਸੋਚਤਾ ਹੈ, ਆਦਮੀ ਕੁਛ ਕਹੇ ਨਾ ਕਹੇ ਫਿਰ ਵੋ ਮਾਲਿਕ ਤੋ ਫਿਰ ਸਭ ਜਾਣੀ ਜਾਣਾ, ਵੋ ਤੋ ਭਾਈ ਦੇਖ ਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਮ ਬਾਰ ਬਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਬਹੋ ਸ਼ਾਮ ਕਭੀ ਨਾ ਕਭੀ ਇਸ ਟੋਪਿਕ ਕੋ ਜ਼ਰੂਰ ਟੱਚ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਮਤ ਕਰੋ ਨਿੰਦਾ, ਮਤ ਕਰੋ ਬੁਰਾਈਆਂ, ਛੋੜ ਦੋ ਰੇ ਭਾਈ ਛੋੜ ਦੋ, ਨਾ ਜਪੋ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਾ ਜਾਤਾ, ਥੋੜਾ ਜਪ ਲੋ, ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਤੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੀ ਕੀ ਬੁਰਾਈ ਕਿਸੀ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਸੇ ਕਿਸੀ ਕੋ ਕਿਆ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਅਰੇ ਕਿਉਂ ਬੇੜੀ ਮੇ ਬੱਟੇ ਡਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਸਾ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਚਿਲਾਤੇ ਰਹੋਗੇ। ਸੋ ਭਾਈ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਹਮ ਤੋ ਕਾਕਸਾਰ ਹੈ, ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ, ਬਚਨੋ ਵੀ ਪੱਕੇ ਰਹੋ, ਸਿਮਰ ਕਰੋ, ਮਾਲਿਕ ਰਹਿਮਤੇ ਲੁਟਾਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਸ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿਭਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਔਰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਡੇਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਪਰਮਾਰਥ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੁੱਕੇ ਰਹੀਏ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਭ ਕੁਛ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਬਸ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਹੱਥੇ ਨਾ ਚੜੀਏ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਕੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਪਿੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਜਾਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੀ। ਬੇਟਾ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਉਣ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰੇ ਲੈ ਲਿਓ,
प्रसाद बन गया, मालिक खुशियां बख्शे बेटा, सबने ले लेना है। सो मालिक रहमत करने वाला है, बचना तेरे हो, आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद। तां तां सतगुरु तेरा ही आसरा। जी बेटा आशीर्वाद। बाकी यहां से जो लाइव जाता है वो काफी देर बाद वहां पहुंचता है लाइव वीडियो, क्योंकि वो जो बोल रहे थे उनके पीछे तस्वीर थी हमारी शायद, और उसके तस्वीर में उनका टीवी दिख रहा था, तो यहाँ जो हम कोई हाथ भी हिलाया तो वो उसे दो मिनट बाद वहां हिलता है, मतलब इतना ऐसा कोई सिस्टम है। है जी 10 सेकंड नहीं, यहाँ तो बहुत ज्यादा देर है, इनके यहाँ गड़बड़ होगी, क्योंकि हमने चेक करके देखा था तो वो शायद लगभग 1.5-2 मिनट हो गए थे तब जाके वो चीज आई, तो आप चेक कर लिया करें। काफी देर बाद वहां पहुंचती थी वो चीज, तस्वीर मतलब लाइव, तो लगभग ख्याल रखना जी। और देश विदेश में सात संगत अपना काम धंधा करती हुई 492 के करीब टेलीफोन कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और 1157 कनेक्शनों पर हजारों की तादाद में लाइव वीडियो देख रहे सुन रहे हमें नजर आ रहे, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, हमारे खुशियां बख्शे जी। प्रदीप राणा पोलैंड से लाइव मैसेज है, पूजे पिताजी टीआर के लिए अप्लाई करना है, रहमत करना आशीर्वाद बेटा, सुमन करो पूरा पैरवाई करो। पूजा इंसा हिसार अब लखनऊ से वेब कैंप पर नहीं है, प्यारे पिताजी लखनऊ कैंप से सीधे 8 जून को एशिया जूनियर महिला कुश्ती के लिए 55 किलोग्राम भार वर्ग में खेलने के लिए इंडोनेशिया जाना, रहमत करना जी बेटा आशीर्वाद, लगन से पूरे दृढ़ता से आगे बढ़ो, मालिक साथ हैं। शास्त्र में गिनने से पहले फिर फोर्स विंग का प्रसाद लेना, दो भाई अपनी जगह पे खड़े होंगे, जोर से नारा लगा के बैठ जाओ जी आशीर्वाद प्रसाद ले लो। ब्लॉक सरसा से एक जोड़ी आंखें लेके आए, नेत्रदानी जमनू राम सो नेत्रदान महादान आशीर्वाद बेटा, उन परिवारों को जाके आशीर्वाद देना और प्रसाद देना, और अपने परिवारों के लिए खुद के लिए प्रसाद ले जाना, मालिक रहमते करें आशीर्वाद। घर जाना है जी 7 से 48 दिन वाले खड़े होते जाओ। शाही कंटीन के सेवादार 430 भाई और 366 बहने, ब्लाक गातो 136 बोहा तो 77 दड़वा तो 55 समाणा तो 35 चीका तो 35 गूला तो 39 और 7 दिन वाले भैन भाई हैं। ब्लाक नंगल कला तो 34 तलवंडी साबो तो 44 भैन भाई 4 दिनों की सेवा की है, ट्रैक्टर कराहे वाले 4 दिनों की सेवा, अपनी जगह से खड़े हो जाओ। सो जितनी सेवा करी है सेवा सिमर सत्संग का फल बद चढ़ के मालिक थोड़िया झोलियां च पावे, सारे परिवारों मालिक खुशियां नवाजे और सारे नु क्यों पिता ने आशीर्वाद भेजा जाके सबनों ये कहना है, प्रसाद तो दिता जाएगा खुद भी खाना है और सारे परिवारों देना, मालिक बहुत खुशियां बख्शे प्रसाद ले लो, मालिक रहमत करे बैठ जाओ बेटा बैठ जाओ आशीर्वाद प्रसाद ले लो। बीमार वे बीमारों के लिए प्रसाद लेके जाना है, मालिक से प्रार्थना मिति दुआ करके अलग से प्रसाद देते हैं, मालिक दया में रहमत से नवाजे। जितने बार दवाई लेनी पहले आधा घंटा नाम जपना, कैंसर या लाइलाज में दिन रात मालिक का नाम जपो, जो आर्थिक तौर पे कमजोर है उनका इलाज सात संगत की तरफ से यहाँ फ्री किया जाता है जी। खाने पीने की जिनसे अनजाने में गलती हुई है वो बैठे बैठे नारा लगा दे, मालिक माफ करेंगे। 3 वचनों में पता है कि पहली बार गलती हुई है, वो अपनी जगह पे जल्दी से खड़े हो जाएं, इधर उधर मत देखो जल्दी से खड़े हो जाओ, आपको माफी दिलवानी है बस जल्दी करो, खड़े रहना है, आपको आशीर्वाद बोलेंगे, आशीर्वाद आपकी तरफ आए उससे पहले पहले खड़े हो जाना है, आशीर्वाद खड़े रहना है, खड़े रहना है जी, बैठना नहीं, खड़े रहो बुजुर्गो, बैके में गए डंड बैठ का मार लग जाने जो तो मर्जी, और गलती करिए तो खड़ भी जाओ, फिर रुक जाओ आप अपनी जगह, बैठ क्यों रहे हो बार बार, बैठ के खड़े हो, खड़े रहो अभी आशीर्वाद आशीर्वाद, सजोर से नारा लगा के बैठ जाओ। समलैंगिकता की खजाने वाला सिक्का दोबारा लिया, खजाने वाला सिक्का गुम हुआ, जाम दोबारा पिया, झूठी कसम का इसी पे नहीं आई, दोबारा नशा किया, भक्ति योद्धा का प्रसाद लिया, शादी करवा ली तो सारी खुशियां वापस भाई, जो वचन थे वो कोई खुशी नहीं मिलती, बाकी कर्मानुसार खुशियां। दर्शन होते बता दिए, श्लीलता देखी, लॉकेट गुम हुआ, लंगर का निरादर किया, किसी की बीमारी मांगी, प्रसाद खराब हुआ, गलती से बीमारी वाला प्रसाद लिया, बिना सेवा के प्रसाद डेरे से फल तोड़कर खाई, नाम शब्द सुना, परमार्थ वाले पैसों का नशा किया, भ्रूण हत्या करवाई, शादी में शराब पिलाई, पाखंड में पड़े, फ्रॉड कंपनी में पैसा लगाया, तो पहले भी जिन्होंने नारा लगा दिया खड़े होकर और अब भी नारा लगा दे, सबको माफ है, मालिक जरूर माफ करेंगे। तीसरी बार माफी लेनी है, 3 महीने सिमरना शोक इंसान, लगातार सिमरन करते रहो भाई, फिर जाके हो सकता है मालिक माफ करें, खड़े होकर नारा लगा के बैठ जाओ। और सात संगत में जो कहते हैं भूत प्रेत ऊपरी पराई जिन चुड़ैल मैनू कसर हुंदी है, अपनी जगह पे खड़े हो जाओ, बोलना नहीं है चुपचाप खड़े रहना है, तो आपको आशीर्वाद कह रहे हैं, खड़े रहो आशीर्वाद। और
नारा लगा के जल्दी बैठ जाओ, खड़े रह गए तो भूत रह सकता है, जल्दी बैठो। तो आपके भरम भूत भगा दिए, कोई भूत बात नहीं। अब आपके अंदर बीमारी वाला प्रसाद लेना और अपने हॉस्पिटल से दवाई लेना, सुमन करके दवाई लेना। सुबह 6 से रात के 10 बजे और सर से रात जो सेवा करते हैं, मालिक से प्रार्थना विधि दुआ करके अलग से प्रसाद देते हैं, मालिक अलग से दिया मेरे रहमत से नवाजे। शासन जी बॉयज कॉलेज के बच्चे 7,770 रुपए, लंगर घर चौथी शिफ्ट की बहने 20,000 तथा 13 भाई बहन दिंदु के मध्य बैंक में पैसा जमा करवाया, खड़े हो जाए। तो मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करते हैं, मालिक आपके घरों में आपस में प्यार बढ़ाए, मालिक से प्यार बढ़े घरों में, मालिक खुशियां बख्शे, मालिक से दुआ करते हैं और आपका दृढ़ विश्वास मालिक पे हमेशा रहे, मालिक से दुआ करते हैं और आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद कहते हैं जी। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद, बैठ जाना जी। शास्त्रम जी गर्ल स्कूल सरसा ताइक्वांडो के जूनियर व सब जूनियर खिलाड़ियों ने स्टेट में 7 गोल्ड, 6 सिल्वर, 6 ब्रॉन्ज मेडल ओवरऑल ट्रॉफी जीती है जी। शाबाश बेटा, बेल्डन, मालिक खुशियां बख्शे और आगे बढ़ो, बचनों पे रहना, श्रवण करना, मालिक साथ है बेटा, आशीर्वाद प्रसाद ले लो। शास्त्रम जी बॉयज स्कूल सरसा ताइक्वांडो के जूनियर व सब जूनियर खिलाड़ियों ने स्टेट में 3 गोल्ड 1 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते और 3 बच्चों का नेशनल गेम के लिए सिलेक्शन हुआ है जी। तो जिनके गोल्ड होते हैं उन सबका सिलेक्शन ही होता है मे बी, तो इधर भी 7 का हुआ होगा शायद, तो ये तो नेचुरली है, इसमें अलग से लिखने की जरूरत नहीं होती, पता ही है जिनका गोल्ड है वो तो है, अगर सिल्वर वाले भी हुए हैं तो वो बताएं जी। आशीर्वाद और शाबाश, बचनों पे रहना बेटा, आगे बढ़ना, मालिक साथ देने वाले हैं, आशीर्वाद। शास्त्रम जी क्रिकेट स्टेडियम में अमृतसर पंजाब की क्रिकेट टीमें खेलने आई हैं जी, पहली बार आए हैं जी शास्त्रम जी क्रिकेट स्टेडियम में अमृतसर पंजाब की टीमें जी। आपका बहुत बहुत स्वागत जी, आया नो जी, जी आया नो बेटा, अच्छे नेक बनो, अच्छे खिलाड़ी बनो, परमात्मा ताकत देवे तुहानू, मां बाप का देश का नाम रोशन करो, मालिक अगे दुआ कर दे, आशीर्वाद बेटा जी आया नो, आशीर्वाद प्रसाद ले लो। राजस्थान ब्लॉक किशनगढ़ बास जिला अलवर की साथ संगत ने एक जरूरतमंद बहन शांति देवी इंसा पत्नी स्वर्गीय जिन्नाराम निवासी गांव माछा जिला अलवर को एक पूरा घर बना के दिया है जी, वो चाबी दिलवाना चाहते हैं। किशनगढ़ वास की संगत खड़ी हो जाए ब्लॉक की और वो बहन आ जाए जिसको घर बना के दिया है पूरा, शाबाश ब्लॉक वालों, बहुत बड़ी बात है, मालिक आपको खुशियां बख्शे, घरों के लिए प्रसाद ले जाना, जिन्होंने तन मन धन से सेवा की सबको आशीर्वाद कहना, प्रसाद लेके जाना, मालिक रहमो करम से नवाजे, शाबाश। तो बेटा बचनों पे पक्के रहना, बचनों पे पक्के रहना, सुमरण करते रहना, घर आपके लिए सुख देने वाला हो, भगवान से प्रार्थना करते हैं, आशीर्वाद 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 आशीर्वाद। त्योणा पुजारियां बठिंडा तो आए हैं जी, इन्हों के पिता ने चोला छड़े नाम लिया से, उम्र 40 साल, खड़े हो जो, अखा दान भी कीतिया ना, अखा दान महादान बहुत बड़ी गल है, सो आशीर्वाद। जिसने नाम लिया होता है वो आत्मा मालिक की गोच बैठ के निज धाम सचखंड सतलोक का नाम ही जरूर जाती है। आस्थियां फुल लेके आए हो या तो खुद का खेत है गहरा टोआ पुट के उत्थे दबा दो या बड़ी नहर नदी किनारा ला के प्रवाह कर दो, क्योंकि तो मिट्टी है, आत्मा नु मालिक जरूर संभालता है। सो प्रसाद ले लो, प्रसाद लेने तो बाद बैठना है, इधर भी परिवार आया तो प्रसाद ले लो बेटा, जो जख्म देना मरण भी जरूर दे देगा। नशा छोड़ने वाला कोई भी आया है चरसे रोन्स में, एक भांग दतूरा अफीम शराब कैसा भी गंदा नशा करते हैं, 7 दिन के लिए यहां पे रुक जाओ, परिवार का एक आदमी 7 दिन साथ रहे, खाना फ्री, रहना फ्री, सब कुछ, यहाँ ट्रीटमेंट भी फ्री है, जरूरत नहीं पड़ती वैसे, क्योंकि सेवा सिमरन से गंदा नशा छूट जाता है। लेकिन एक ख्याल रखना, जब नशा छोड़ के जाओ, यार दोस्त जो नशेड़ी हैं उनका संग, उनकी सोहबत बिल्कुल नहीं करना। सो आपने यहां से प्रसाद ले लेना है, बाकी सत्संग में प्रसाद, पेन, शादी के कपड़े, बच्चे कपड़े, गाड़ी की चाबी, मकान की चाबी, छोटे बच्चे को कोई लेके आया है, बैठे बैठे ये सामान ऊपर कर लीजिए। सारी साथ संगत को अच्छे नेक कामों के लिए आशीर्वाद कहते हैं, आशीर्वाद, और बच्चा अच्छा नेक इंसान बने, मालिक से दुआ करते हैं और आप सबको आशीर्वाद कहते हैं जी। नीचे कर लीजिए, नीचे कर लीजिए सामान सारा। तो जो भी साथ संगत आश्रम में सत्संग में चल के आई, आप सबका पधारने का तहदिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं जी। आया नो शामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम, बस थोड़ा सा समय सजे रहना, उसके बाद जाने का विचार, समय साधन के मुताबिक आप जा सकते हैं, रहने का जैसे सेवादार भाई बताए, रहना, सेवा करना, आराम करना है, पर अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सज रहिएगा जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। एक दो मिनट के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें जी।
धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। सारी संगत को सूचित किया जाता है कि शाह मस्ताना जी धाम से लेकर आगे नेरिया गांव तक आप किसी ने भी जमीन या प्लॉट वगैरह नहीं खरीदना। अगर आपको प्लाट या फ्लैट की जरूरत है तो कमरा नंबर 50 में अपना नाम लिखवाएं। इस प्रार्थना को सारी संगत ने मानना है और सभी ने गुरुमुख बनना है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जो बहने या भाई लंबे समय से बीमार हैं और पहले प्रसाद नहीं लिया, और जो नशा छोड़ने के लिए आए हैं, उन भाइयों ने साइड के 36 नंबर पिलर के पास और बहनों ने 99 नंबर पिलर के पास आकर प्रसाद ले लेना है जी। आश्रम में काफी जगह पर सेवा चली हुई है। जो भी भाई या बहन सेवा करना चाहते हैं, आप अपने अपने प्रांत के 25 मेंबरों से मिलकर सेवा कर सकते हैं जी। और पंडाल में जो बुजुर्गों के लिए कैबिन है, इन कैबिनों में केवल बुजुर्गों ने बैठना है। लंगर भोजन जब भी आप आश्रम में ग्रहण करते हैं तो श्रद्धा के साथ लंगर ग्रहण किया करें, बेकार बिल्कुल भी न जाने दिया करें जी। सुबह की मजलिस का समय 7:30 बजे का है। आप पूजनीय गुरु जी के हुक्म अनुसार आप सभी को जाने की इजाजत है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। ब्लॉक कल्याण नगर के 7 प्रेमी भाई यहां आकर अभी मिल लें जी। ब्लॉक कल्याण नगर के 7 मेंबर कोई भी भाई आवाज सुन रहे तो यहां आकर मिल लें। बहनों ने बहनों वाले पंडाल में ही रहना है, भाइयों वाली साइड में नहीं आना, और भाइयों ने भाइयों वाले पंडाल में ही आराम करना है जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा।